हेलो क्लास, वेलकम यू ऑल। टुडे वी लर्न यूनिट 4 सेशन 8 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंटरनेट सिक्योरिटी और यू कैन कॉल एज नेटवर्क सिक्योरिटी। सो व्हाट इज इंटरनेट सिक्योरिटी? इंटरनेट सिक्योरिटी इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द इंटरनेट, ऑफन इन्वॉल्व ब्राउजर सिक्योरिटी बट ऑल्सो नेटवर्क सिक्योरिटी। इंटरनेट सिक्योरिटी एक ब्रांच है कंप्यूटर सिक्योरिटी की। जब भी हम बात करते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी की तो हम बात इंटरनेट सिक्योरिटी की भी कर रहे हैं, ब्राउजर सिक्योरिटी की भी कर रहे हैं एंड नेटवर्क सिक्योरिटी की भी कर रहे हैं। सो इंटरनेट सिक्योरिटी हमारी एक ब्रांच है कंप्यूटर सिक्योरिटी की जो स्पेसिफिकली हमारी रिलेटेड है इंटरनेट से, और इंटरनेट के अंदर आपका आ जाएगा ब्राउजर सिक्योरिटी या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी। सो इंटरनेट सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टेब्लिश रूल्स एंड मेजर्स टू यूज अगेंस्ट अटैक्स ओवर द इंटरनेट। जो भी अटैक्स हो रहे हैं आज के टाइम पे इंटरनेट पर, उसको कम करने के लिए कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव, कुछ ऐसे रूल्स या मेजर्स का यूज़ करना ताकि जो ये अटैक हो रहे हैं इंटरनेट पे वो कम हो सके। क्योंकि इंटरनेट जो है वो एक इनसिक्योर चैनल भी है। जब हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, अगर हम उसको एक सही तरीके से नहीं एक्सचेंज कर रहे हैं तो इससे हमारा हाई रिस्क इंट्रूजन का, फ्रॉड का हो सकता है, जिसे हम फिशिंग बोलते हैं। फिशिंग मीन्स जो हमारा हाई रिस्क है इंट्रूजन, जो इंट्रूडर्स हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन को रिवील कर रहे हैं या इंटरनेट पर जो फ्रॉड हो रहा है, इसको हम फिशिंग बोलते हैं। जैसे कि हमें पता है कि इंटरनेट से हम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन या हमारा एक एंटरटेनमेंट का ये सोर्स है। इसके अलावा हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारा अनसिक्योर भी हो जाता है, क्योंकि जो हमारे ऑनलाइन थ्रेट्स हो रहे हैं इसकी वजह से हम कंप्यूटर को एक अनसिक्योर चैनल भी बोलते हैं। यू नीड टू एंश्योर योर यूज़र नेम, योर पासवर्ड, योर क्रेडिट कार्ड, योर ऑनलाइन बैंकिंग इंफॉर्मेशन सिक्योर एज दे आर प्रोन टू बी ट्रैक्ड एंड यूज बाय अनऑथराइज यूजर्स। जैसे कि आपको पता है कि इंटरनेट पर ऑनलाइन थ्रेट्स की वजह से हमारी सारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, तो हमें अपना हमेशा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और अपनी ऑनलाइन बैंकिंग इंफॉर्मेशन को ऐसे रिवील नहीं करना चाहिए। अगर आपसे कोई OTP रिक्वायर कर रहा है तो इस तरह की इंफॉर्मेशन कभी भी बैंक नहीं पूछता है। आपको इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी होती। आपको प्रॉपर जो आपको यूज़फुल वेबसाइट्स है वहीं से ही आपको सॉन्ग डाउनलोड करने हैं, या अगर आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, कोई पासवर्ड बना रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट ऑथराइज भी वेबसाइट्स का यूज़ करना है। ऑनलाइन थ्रेट्स में आपका आ जाता है जैसे कि फिशिंग है, जो हमारा फ्रॉड हो रहा है, इंट्रूजन हो रहा है, या ईमेल स्पूफिंग हो रहा है, चैट स्पूफिंग हो रहा है। ईमेल स्पूफिंग मीन्स जैसे कि आपके पास ईमेल पे भी कई बार फ्रॉड ईमेल्स आ जाती हैं कि आपकी लॉटरी निकल गई है, आप अपनी बैंक की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दीजिए, आप अपना OTP दे दीजिए। चैट्स के थ्रू भी आपको इस तरह के मैसेजेस देखने को मिलते हैं और ये हमारे चांस जो यूज़र्स को कॉम्प्रोमाइज करने के चांस हो रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन को लीक करने के चांस इंक्रीज हो रहे हैं, वो इसी वजह से ही होते हैं। तो आप इन रिस्क को रिड्यूस भी कर सकते हैं अगर आप कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस का यूज़ करेंगे। आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं, आप एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर रहे हैं, आप फायरवॉल्स का यूज़ करके चल रहे हैं, आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो इससे आपकी सेफ्टी जो है वो बनी रहती है। सो कौन कौन सी वो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं सिक्योरिटी की? जैसे कि आप जब आप पासवर्ड बनाते हैं तो आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज़ करिए। जैसे कि आप अल्फ़ाबेट्स, न्यूमेरिक, स्पेशल कैरेक्टर्स तीनों को मिला करके एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए। कभी भी हम एक सिंपल पासवर्ड जैसे कि आपका नेम हो गया, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, आपके कोई फ्रेंड का नेम हो गया, बाइक नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, इस तरह के पासवर्ड्स आपको नहीं चूज़ करने चाहिए। आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना चाहिए जो आपका अल्फाबेट, न्यूमेरिक्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन हो, और हो सके तो आप अपने पासवर्ड को 2 या 3 वीक्स में चेंज भी करते रहिए। और आपके पास आपको ऐसा कोई पासवर्ड नहीं रखना है जो आपके फ्रेंड्स को पता हो। आपका जैसे जो प्रॉपर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो आपको फ्रेंड्स को पता होती है, जो आपकी इंफॉर्मेशन को रिवील कर सकते हैं।
सो जो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है ये हमारे रिस्क को लोवर करता है और आपके पास सिक्योरिटी मैकेनिज्म भी बहुत सारे अवेलेबल होते हैं और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो आपके पास पासवर्ड को रिमेंबर करने के लिए चेक मांगती है। मीन्स आप चेक कर दीजिए कि ब्राउज़र आपके पासवर्ड को रिमेंबर रखे, तो इस तरह की वेबसाइट्स पर आपने रजिस्टर नहीं करना है। तो इस तरह के आपको इंफॉर्मेशन का पता होना चाहिए कि कौन सी वेबसाइट्स ठीक हैं कौन सी गलत हैं। तो कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस बताई गई हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज़ करने के लिए, जैसे कि कीप द लेंथ ऑफ द पासवर्ड एट लीस्ट 12 to 14 करेक्टर्स इफ़ परमिटेड, कि आप अपने पासवर्ड की जो लेंथ है वो 12 to 14 करेक्टर्स की तो एटलीस्ट रखिएगा। और अवॉइड कीपिंग पासवर्ड्स बेस्ड ऑन रिपीटिशन, डिक्शनरी वर्ड्स, लेटर्स, नंबर सिक्वेंसेस, यूज़र नेम्स, रिलेटिव पेट नेम, तो इस तरह के पासवर्ड्स को आपने अवॉइड करना है। कोई लेटर या नंबर की सिक्वेंस ना हो, रिपीटिशन में कोई वर्ड्स ना हो, कुछ आपके पेट नेम्स ना हो, रिलेटिव नेम्स ना हो, आपका यूज़र नेम ना हो, तो इस तरह के आपको पासवर्ड नहीं चूज़ करने हैं। आप नंबर्स इंक्लूड कर सकते हैं, सिंबल्स इंक्लूड कर सकते हैं अपने पासवर्ड्स में अगर वो अलाउड हैं उस पर्टिकुलर वेबसाइट्स पर। आप अपने पासवर्ड्स में कैपिटल लेटर्स, लोअर केस लेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। अवॉइड यूजिंग द सेम पासवर्ड फॉर मल्टीपल साइट्स और पर्पसेस, एक सेम पासवर्ड आपको मल्टीपल साइट्स पर नहीं रखना चाहिए, इसको आपने अवॉइड करना है। अवॉइड यूजिंग समथिंग दैट द पब्लिक और वर्कमेट्स नो यू स्ट्रांगली लाइक और डिसलाइक, आपके जो लाइक्स होते हैं डिसलाइक्स होते हैं आपके वर्कमेट्स को पता होते हैं, तो इस तरह के आपको पासवर्ड को चूज नहीं करना है, आपको इसे अवॉइड करना है। यूज़ रैंडम पासवर्ड जनरेटर्स इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो आप रैंडमली पासवर्ड जनरेटर का यूज़ करिए जिससे कि आपका पासवर्ड जो है रैंडमली चेंज होता रहेगा। देखिए इस तरह का एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का एग्जांपल दिया गया है जिसमें अपर केस लोअर केस कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स का मिक्सचर है ये, तो इस तरह का आप पासवर्ड चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक वेबसाइट हमारी है www.strongpasswordgenerator.com, आप इस वेबसाइट को ओपन करके भी आपको सजेस्ट करेगा कि किस किस तरह के स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप चूज़ कर सकते हैं, तो इस वेबसाइट की भी आप हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपना वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे, वहाँ इस वेबसाइट का एड्रेस लिख देंगे एड्रेस बार में और एंटर प्रेस करेंगे, तो इसके बाद आपको जनरेट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पर क्लिक करना है। और जब आप अपना पासवर्ड एंटर करेंगे तो आपको ये बताएगा कि ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है या नहीं है। दूसरा प्रैक्टिसेस ऑफ सिक्योरिटी में आपका है कि आप एनक्रिप्शन सॉफ्टवेयर का यूज़ कीजिए, इस तरह के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं अनऑथराइज्ड यूज़र से, अनऑथराइज्ड में जो यूज़र ऑथराइज नहीं है उस पर्टिकुलर वेबसाइट को यूज़ करने के लिए, उस तरह के यूज़र्स आपके डाटा को यूज़ ना कर सके, आपका डाटा प्रोटेक्टेड रहे। नेक्स्ट आपका है कि आपका जो यूज़र नेम है और पासवर्ड है वो प्राइवेट आप रखिए, किसी से शेयर मत कीजिए। नेवर सेव योर यूज़र नेम और पासवर्ड ऑन कंप्यूटर्स दैट आर यूज्ड इन शेयर्ड एनवायरनमेंट सच एज इंटरनेट कैफ़े, तो इस तरह की जगह पर इंटरनेट कैफ़े पर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड और यूज़र नेम सेव नहीं करना है। आप यहाँ पर अनचेक करेंगे उस जगह पर जहाँ रिमेंबर का ऑप्शन आता है, तो आप अपने कंप्यूटर में एक सिक्योर लोकेशन पर अपने पासवर्ड या अगर यूज़र नेम को सेव कर रहे हैं तो आप मत कीजिए, क्योंकि आपके कंप्यूटर को और भी पर्सन्स आपका यूज़ कर सकते हैं। रजिस्टरिंग विद वेबसाइट, जब भी आप किसी वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं तो आप रीड करेंगे जो भी प्राइवेसी स्टेटमेंट है या कुछ पॉलिसीज़ हैं उसका प्रॉपरली रीड कर लीजिए, उसके बाद ही आप उस वेबसाइट पर रजिस्टर करेंगे। डू नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कई बार कुछ ऐसी फील्ड्स होती हैं आपके फॉर्म में जिसमें आपका नेम, ईमेल एड्रेस, स्कूल नेम, जेंडर, एज, इस तरह की इन्फॉर्मेशन मांगी गई होती है, तो सबसे पहले आप उस पर्टिकुलर वेबसाइट जिस पे आप रजिस्टर कर रहे हैं उसको अच्छे से रीड कर लीजिए, उसकी प्राइवेसी स्टेटमेंट्स को रीड कर लीजिए, और अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करना चाहिए। अगर आप कर भी रहे हैं तो पहले उस वेबसाइट को प्रॉपरली रीड करें, इसकी पॉलिसीज जो हैं इसको रीड करें। सिक्योर ट्रांजेक्शन, जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो अगर आप ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन कर रहे हैं तो अपनी इन्फॉर्मेशन रिवील करने से पहले, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन या क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंकिंग डिटेल्स फिल कर रहे हैं, तो एक बार प्रॉपरली उस साइट को चेक कर लीजिए ताकि कुछ आपका मिसयूज़ ना हो आपकी इन्फॉर्मेशन का, कोई अनऑथराइज यूज़र आपकी इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ ना कर सके। नेक्स्ट आपका है यूज़ एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर्स,
क्या होता है कि कई बार हम अपनी पेन ड्राइव जो होती है वो हम इंटरनेट कैफ़े पर या अपने फ्रेंड के कंप्यूटर में लगा लेते हैं, तो जब हम उसे अपने कंप्यूटर में यूज़ करते हैं तो कई तरह के मालवेयर्स या कई तरह के वायरसेस हमारे सिस्टम्स में भी आ जाते हैं, या अगर हम कुछ वेबसाइट से सॉन्ग डाउनलोड कर रहे हैं तो उसके साथ साथ कुछ हमारी ऑटोमेटिकली फाइल्स डाउनलोड हो जाती हैं जो हमारे सिस्टम को नुकसान पहुँचाती है। तो कंप्यूटर्स आर प्रोन टू अटैक्स फ्रॉम सॉफ्टवेयर नोन एज मालवेयर दैट कुड हार्म योर कंप्यूटर, जो आपके कंप्यूटर को हार्म कर सकते हैं। तो इस तरह के चीज़ों से बचने के लिए आप अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस या एंटी स्पाइवेयर प्रोग्राम्स का यूज़ कर सकते हैं दैट ऑफर रियल टाइम प्रोटेक्शन मॉनिटरिंग योर कंप्यूटर फॉर एनी चेंजेस बाय मालवेयर सॉफ्टवेयर। अगर मालवेयर सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में कुछ चेंजेस करने की कोशिश करते हैं तो अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस या एंटी स्पाइवेयर प्रोग्राम्स ऑन है तो आपकी प्रोटेक्शन या मॉनिटरिंग बनी रहती है। डू नॉट इमीजिएटली रिस्पॉन्ड टू मेल्स फ्रॉम अननोन यूजर्स। अगर आपके पास अननोन यूजर्स से कुछ मेल्स आई हैं तो आप उस पर इमीजिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। कई बार आपके पास कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन मांगी जाती है जैसे कि बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपका होम एड्रेस, हमारी कुछ फेक मेल्स भी हो सकती हैं, या आपको कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं जॉब्स के लिए या लॉटरी अनाउंस कर रहे हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को आपने ध्यान से फिल करने से पहले आपको प्रॉपरली इसकी गाइडलाइंस, प्रॉपर पॉलिसीज आपको रीड करनी है। क्लियर ब्राउज़र कुकीज़ फ्रिक्वेंटली। कुकीज़ क्या होती हैं? कुकीज़ वो प्रोग्राम्स होते हैं दैट आर क्रिएटेड ऑन योर लोकल कंप्यूटर व्हेन यू विजिट वेबसाइट। जब भी आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो कुछ उसकी फाइल्स ऐसी होती हैं जो आपकी लोकल कंप्यूटर में सेव हो जाती हैं, और इसको आपने इन तरह की जो ब्राउज़र कुकीज़ होती हैं आप इसको टाइम टू टाइम क्लियर करते रहिए ताकि जो डाटा स्टोर हो रहा है आपके सिस्टम में टेम्प्रेरी डाटा वो प्रॉपरली क्लियर हो सके। तो जब भी हम कुछ लॉगिन करते हैं तो वो भी डिटेल्स आपकी हिस्ट्री में सेव हो जाती हैं, या आप कोई शॉपिंग कार्ट कर रहे हैं तो इस तरह की शॉपिंग आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी कंप्यूटर में एक जगह पे स्टोर होती रहती है, और अनऑथराइज यूज़र जो होते हैं यहीं से ही आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रैक करते हैं और आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पर एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आपका है इंस्टॉल फायरवॉल्स। फायरवॉल्स आपको इंस्टॉल करके रखनी है अपने सिस्टम में। फायरवॉल्स आपका सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर कुछ भी हो सकता है जो आपके कंप्यूटर को या नेटवर्क को सिक्योर रखते हैं। फायरवॉल्स कुड बी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एंड कैन असिस्ट इन कीपिंग अ कंप्यूटर एंड अ नेटवर्क सिक्योर। नेवर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन सोर्सेज। कभी भी अननोन सोर्सेज से आपको सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल करने चाहिए। कुछ ऐसी अगर वेबसाइट जो हमारी होती है रेप्यूटेड है या वेल नोन है तो उस तरह की वेबसाइट्स का आप यूज़ कर सकते हैं। सारी की सारी वेबसाइट ट्रस्टवर्दी नहीं होती हैं। डाउनलोड ओनली फ्रॉम दी वेल नोन और रेप्यूटेड वेबसाइट। नेक्स्ट आपका है रिमूव अनवांटेड और अननोन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। अगर आपके सिस्टम्स में मोबाइल में कुछ भी अनवांटेड या अननोन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस रखी हैं तो आप उसको रिमूव कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वेबसाइट से आपकी ओनली मेमोरी ही फुल हो रही है, इसका कोई यूज़ नहीं है। तो आप उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं जो भी आपकी सॉफ्टवेयर्स नहीं रिक्वायरमेंट में है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कि हम डाटा को क्लियर कैसे करते हैं जो ब्राउज़र्स में सेव हो जाता है। जब भी हम वेब ब्राउज़र्स पर कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं तो हमारी हिस्ट्री या कुकीज़ या कुछ इस तरह के टेम्प्रेरी फाइल्स हमारे सिस्टम में सेव होती रहती हैं। तो इस तरह की ब्राउज़र पर जो कुकीज़ या डाटा को क्लियर करना होता है उसको क्लियर करने के लिए मेथड्स यहाँ बताए गए हैं। जैसे कि सबसे पहले आप अपने वेब ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद वहाँ आपको ऑप्शंस पर क्लिक करना है। ऑप्शंस में जाकर के आपको टूल्स मेन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप टूल्स मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टैब्स आपको दिखाई देंगे। यहाँ से आप सिक्योरिटी टैब पर क्लिक करेंगे। सिक्योरिटी टैब पर क्लिक करने के बाद आपको पासवर्ड सेक्शन के अंदर अगर रिमेंबर पासवर्ड फॉर साइट्स पर चेक लगा हुआ दिखाई दे रहा है, अगर ये पोर्शन चेक्ड है तो आप इसे अनचेक कर दीजिए। इसका मीनिंग ये होता है कि साइट्स पर आपका पासवर्ड जो है वो सेव नहीं रहेगा। नेक्स्ट आप जनरल टैब में जाकर के ऑप्शंस में जाकर के जनरल टैब में आपको प्राइवेसी टैब मिलेगा। यहाँ से भी आपको डिफरेंट डिफरेंट कुछ सेटिंग्स मिलेंगी जो आप चेंज कर सकते हैं। हिस्ट्री सेक्शन में जाकर के भी अगर आप नेवर रिमेंबर हिस्ट्री करना चाहते हैं या कुछ पर्टिकुलर सेटिंग्स करना चाहते हैं, कस्टम सेटिंग्स भी कर सकते हैं आप हिस्ट्री के लिए।
तो आपको नेवर रिमेंबर हिस्ट्री पर चेक करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट में से, ताकि जो भी आप चीज़ें देख रहे हैं सर्च कर रहे हैं वो आपके कहीं सेव ना हो। उसके बाद आप क्लियर नाउ पर क्लिक करके सारी की सारी हिस्ट्री, टेम्परेरी फाइल्स, कुकीज़ वगैरह डिलीट कर सकते हैं। और देन आपने ओके बटन पर क्लिक करना है। सो देयर आर सेवरल ऑनलाइन थ्रेट्स सच एज फिशिंग, ईमेल स्पूफिंग, चैट स्पूफिंग। यू कैन रिड्यूस द रिस्क बाय यूजिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस सच एज यूजिंग एंटी वायरस सॉफ्टवेयर, एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, फायरवॉल, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। सो इन सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस का यूज़ करके आप जो ऑनलाइन थ्रेट्स हो रहे हैं उसको रिड्यूस कर सकते हैं।